स्वागत है दोस्तों वन डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनको अपना यूट्यूब चैनल खोलना है और वीडियो बना के उससे पैसे कमाने हैं, या फिर उनको व्लॉगिंग करना है, या फिर उनको वीडियोग्राफी का शौक है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, पहला है कैमरा और दूसरा है माइक। और दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के डेट में जितने भी यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर करके अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वीडियो शूटिंग के लिए, और उनकी कंटेंट अच्छी बन जाती है। और आपको माइक के बारे में अगर बात करना है तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इंडिया में जो बेस्ट अफोर्डेबल सस्ते में अच्छा माइक अवेलेबल है वो है बोया का M1 माइक। चूँकि इस बोया M1 माइक की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट, इसका फेक प्रोडक्ट भी मार्केट में आ गया है। दोस्तों आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि यूट्यूबर्स हमारे भाई लोगों ने कुछ डिफरेंसेस बताने की कोशिश करी है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। हमारा वीडियो थोड़ा उससे अलग होने वाला है, हम उसमें 3-4 नए पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं जिससे कि आप 100% श्योर हो सकते हैं आपका माइक जो आपने खरीदा है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। बोया ओरिजिनल कंपनी जो है उनको भी अपनी रेपुटेशन की फिक्र होती है, तो उन्होंने भी एक सटीक तरीका निकाला है अपनी ओरिजिनल माइक की पहचान के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको बोया ओरिजिनल कंपनी के तरफ से जो सटीक तरीका आया है उससे आप ये श्योर हो सकते हैं कि आपका जो बोया माइक आपने खरीदा है वो ओरिजिनल है। तो आइए देखते हैं बोया का M1 माइक फेक वर्सेस ओरिजिनल। दोस्तों ये दोनों जो बोया का माइक है ये पार्सल मुझे अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है कल परसों में। एक मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और एक मैंने अमेजोन से मंगवाया था। ये दोनों की पैकिंग मैंने देखी है, अच्छी पैकिंग करी है उन लोगों ने और बॉक्स सही सलामत है। अगर आप इसको देखेंगे तो ऊपर से ये देखने में बिल्कुल सेम है, फॉन्ट वगैरह, उसका कलर, उसका लोगो सारा सेम है। पीछे की तरफ आप देखेंगे उसका जो कंपनी का एड्रेस है वो दोनों में डिफरेंट है। एक में स्टिकर टाइप का चिपकाया हुआ है जो लिखा हुआ है मार्केटेड इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय सो एंड सो कंपनी, और दूसरा डायरेक्ट प्रिंट किया हुआ है। दोस्तों मुझे वो जो स्टिकर लगा हुआ है उस पर ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बनता है और बाहर से आता है उसके लिए यहाँ की कंपनी इम्पोर्ट कर लाइसेंस लेती है और वैसे ही स्टिकर लगा के यहाँ पर इंडिया में सेल कर सकती है। अब ये देखिए स्टिकर के ऊपर आ जाते हैं, ऊपर जो ये मेन चीज़ है ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो मुझे यहाँ पे हल्की क्वालिटी का लग रहा है। ये ऐसे ही चिपकाया हुआ है जो कि मुझे जेन्युइन नहीं दिख रहा है, और कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जो कि हम इस्तेमाल करके बोया के वेबसाइट पे उसका ऑथेंटिकेशन चेक कर सकें। जबकि ये अमेजोन वाले में एक प्लास्टिक की परत है, उसको निकालते ही आपको अंदर एक नंबर भी दिखेगा और आपको एक QR कोड भी दिखेगा, तो ये थोड़ा जेन्युइन दिख रहा है। तो ये बॉक्स के ऊपर आपको दो चीज़ें आपको पहचान बता दिया मैंने। अब बॉक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो बॉक्स के अंदर आपको माइक के साथ साथ कुछ एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं। हम देखेंगे ये दोनों में क्या क्या एक्सेसरीज दिया है और एक्सेसरीज और उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने आपको एक बताया स्टीकर के बारे में जो ऊपर QR कोड रहता है उसके बारे में, जो आपको बॉक्स के ऊपर से ही दिखने को मिल जाता है, और दूसरा मैंने आपको बताया है मेक जो कंपनी बनाया है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय रहता है, तो ये दूसरे वाले में आपको दिखेगा। तो ये इम्पोर्टेड वाला जो है स्टिकर के साथ, मैं उसको ही जेन्युइन मान रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं जो इंडिया में नहीं बनती है और इम्पोर्ट होके आती हैं, तो यहाँ की कंपनी उसको ऐसे ही स्टिकर लगा के अपने नाम से इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय करके बेचती है। अब आ जाते हैं इसके एक्सेसरीज पे। आप देखेंगे ये एक्सेसरीज में आपको जो कैमरा के लिए एक पिन होता है वो मिल जाता है। नॉर्मली दोनों में जो मिलता है वो साथ ही मिलता है, एक जैसा ही रहता है, वो दोनों में एक ही दिखा रहा है। साथ में अगर आप देखें तो इसमें एक यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड मिलता है। वारंटी कार्ड ये देखिए एक सिंगल पेज की वारंटी कार्ड है और यूज़र मैनुअल बिल्कुल भी सेम, लेकिन यहाँ पे आपको Amazon वाले में दो पेज का आपको वारंटी कार्ड मिल जा रहा है, जो कि मैंने ऐसा देखा है YouTube पे दूसरे वीडियोस में
ये ओरिजिनल वालों में उन लोग दो पेज का देते हैं। ये दोनों चीज़ें जो काफ़ी छोटी चीज़ है, एक वोया का स्टिकर है और एक सिलिकॉन जेल बोलते हैं उसको, मॉइस्चराइजर ऑब्जर्व करने के लिए होता है, ये मुझे थोड़ा पैकेजिंग के लिए अच्छा लगा। पिन अगर आप देखेंगे तो 3.5 mm जैक में, इसमें ओरिजिनल वाले में आपको कोई भी थ्रेड नज़र नहीं आएगा, जबकि वो फेक वाले में आपको चूड़ियाँ बनी हुई, थ्रेड बनी हुई नज़र आएंगी। कंडेंसर में अगर आप देखेंगे, दोनों के कंडेंसर में लोगो का पैटर्न बिल्कुल भी सेम है, ऑन ऑफ बटन का भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, जबकि इसमें ओरिजिनल वाले में थोड़ा आपको दो स्टिकर अलग से मिल जाएगा, एक स्क्वायर स्टिकर है जिसपे आपको QR कोड देखने को मिलेगा और एक बोया करके लिखा हुआ है, छोटा सा एक राउंड स्टिकर है। तो ये सारी डिफरेंस अभी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये वाला जो अमेजोन से मैंने मंगवाया वो ओरिजिनल है और ये वाला जो फ्लिपकार्ट से आया है मुझे वो फेक है। तो मैं फेक वाले प्रोडक्ट को मैं फ्लिपकार्ट के लिए रिटर्न करने के लिए वापस से पैक करके देता हूँ और उसका रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी रख रखा है, कर रखा है, तो उसमें अभी उसका आदमी आएगा, उसका पिकअप अरेंज हो गया है, वो लेके जाएगा और मुझे इसका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ये मैंने कुछ लिया था 550 का, ये 650 का मैंने लिया था अमेजोन वाला, 100 रुपये ज़्यादा था, लेकिन ये मैं रख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। इसमें एक और फाइनल चीज़ हम देखेंगे दोस्तों, फाइनल चीज़ ये है कि मोबाइल पे आप जाइए, आप उस पर आपका वेबसाइट खोलिए, कोई भी ब्राउज़र खोलिए, उसमें google.com पे आप सीधा सर्च कर सकते हैं बोया माइक ऑथेंटिकेशन, जो इसका फाइनल ऑथेंटिकेशन लेवल है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बोया के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उन्होंने ये तरीका निकाला है। तो इसका वेबसाइट है boya-micmic.com। अगर आप कोई भी वेबसाइट गूगल से सर्च करके जा रहे हैं तो एक बार वापस जो एड्रेस बार हम जिसको ऊपर टॉप में बोलते हैं उसमें आप वापस एक बार देख लीजिए कि आप सही वेबसाइट पे हैं कि नहीं। तो हम सही वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड मांग रहा है, जो हमने वो स्टिकर के अंदर सिक्योरिटी नंबर्स देखा था वो नंबर हम यहाँ पे डाल के इंक्वायर करेंगे। ऐसा लिखा भी है यहाँ पे, प्लीज़ एंटर योर सिक्योरिटी कोड, आप देख सकते हैं। तो मैं नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं इंक्वायर करूँगा, उसके बाद ये हमें मैसेज दिखाएगा ये ऑथेंटिकेशन का कि ये प्रोडक्ट मेरा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो मैं ये नंबर डाल रहा हूँ। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजोन की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर प्रोडक्ट आपको भेजता है, सेलर भेजता है प्रोडक्ट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भेजते हैं। तो ये आप मैसेज देखिए, यहाँ पे मैंने इंक्वायर क्लिक किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज ऑफ ऑथेंटिक बोया प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल आया। हम थोड़ा यहाँ चेंज कर लेते हैं, ये जो मैंने नंबर्स डाला है उसमें एक नंबर गलत डालकर हम देखते हैं कि ये क्या मैसेज देता है, ताकि हम श्योर हो जाएं कि ये वेबसाइट भी प्रॉपर है, अच्छे से काम कर रहा है। तो ये 8 मैंने डिलीट कर दिया, 0 डाल दिया, ऐसे ही इंक्वायर किया, द सिक्योरिटी कोड यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये नंबर वैलिड नहीं है। फिर से मैं ओरिजिनल वाला जो मेरा नंबर था मैं वापस से 0 हटा के 8 डाल के देखता हूँ क्या होता है। ये मैंने 8 डाला, इंक्वायर, द सिक्योरिटी कोड यू हैव क्वेरीड हैज बीन क्वेरीड 1 time। तो हमारा ये दिखा रहा है कि जो हमने ओरिजिनल नंबर है एक बार कर लिया है हमने, तो दोबारा ये हो नहीं सकता, ये 1 time का यूज़ का ही होता है ये ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन चेक करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी हमें सहयोग देते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।